श्री विष्णु पुराण छठा अध्याय केशीध्वज और खांडिके की कथा। श्री पराशर जी बोले, वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय होते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मांसमय चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान जिसे जान लेने पर मैं अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूं, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केशी ध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण यह खांडिक्य और विद्वान केशी ध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्म ध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमित ध्वज और कृत ध्वज नामक दो पुत्र हुए। इनमें कृत ध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र रत में रत रहते थे। कृत ध्वज का पुत्र केशी ध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमित ध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशी ध्वज अध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में काल क्रम से केशी ध्वज ने खांडिक्य को राज्यच्युत कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडिक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वन में चला गया। केशी ध्वज ज्ञान निष्ठ था तो भी अविद्या कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केशी ध्वज यज्ञानुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्मधेनु हवि के लिए दूध देने वाली गौ को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई सुन राजा ने ऋत्विजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋत्विजों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। जब राजा ने कशेरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुपुत्र शुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। हे मुने, जब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को न कशेरु जानता है, न मैं जानता हूँ और न कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खांडिक्य ही इस बात को जानता है। यह सुनकर केशी ध्वज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक्य से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर राजा केशी ध्वज कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर वन में जहाँ महामति खांडिक्य रहते थे आए। खांडिक्य ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा। खांडिक्य बोले, अरे क्या तू कृष्णा जानी रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृग चर्म नहीं होता, जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ने ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है। अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा, तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसीलिए आतताई है। केशी ध्वज बोले, हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महामति खांडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह ली। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने कहा, यह निसंदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी।
परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन रहती है। इसीलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, यह जो कुछ पूछेगा वह इसे बतला दूंगा। श्री पराशर जी बोले। तब खांडिक्य जनक ने अपने शत्रु केशी ध्वज के पास आकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। हे द्विज, तब केशी ध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वह सब वृतांत खांडिक्य से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित, जिसका कि उसके लिए विधान था, केशी ध्वज को विधि पूर्वक बतला दिया। तदंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और क्रमशः संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर काल क्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अवभ्रत अर्थात यज्ञांत स्नान के अनंतर कृत कृत्य होकर राजा केशी ध्वज ने सोचा कि मैंने संपूर्ण ऋत्विज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों को उनके इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया, तथापि ना जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मैत्रेय, तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्गत हुए। तब राजा केशी ध्वज ने कहा, खांडिक्य तुम क्रोध ना करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। ऐसा समझो मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया है, अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। श्री पराशर जी बोले। तब खांडिक्य ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया, यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगू। मंत्रियों ने कहा, आप इसे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए, बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही मांगा करते हैं। तब महामती राजा खांडिक्य ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्य पद कैसे मांग सकते हैं। यह ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा है इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री पराशर जी बोले। यह कहकर राजा खांडिक्य केशी ध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे। जब केशी ध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा, तो खांडिक्य बोले, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हैं, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं, तो जो कर्म समस्त कलेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।